देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच में सरकारी व्यवस्था की भी लगातार पोल खोलती नजर आ रही है। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से इन दिनों पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन खत्म होने अथवा न मिलने की वजह से मरने वालों की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में बहराइच में मन को झकझोर देने वाली वीडियो सामने आई है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मां को ऑक्सीजन की कमी पर अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े किए तो लाचार बेटियों ने मानो दुर्गा माँ का अवतार ले लिया और अपनी माँ की जान बचाने के लिए दोनों बेटियां अपने मुंह से माँ को सांस देती नजर आई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में घंटों तड़पती रही माँ को ऑक्सीजन जब नहीं मिली तो परेशान बेटी ने मुंह से सांस देना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने भी अपना अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। इस बारे में अस्पताल के मुख्य चिकित्सक का कहना है कि एक महिला को परिजन लाए थे, इलाज शुरू होता तब तक मौत हो गई। बेटियों ने भावुकता में बहकर ऐसा किया। उसका पति भी प्रयास करता वीडियो में दिख रहा है, मगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।